जय जोहर संगवारी मन ला। आज संडे के दिन है और आज कुछ खास तो बनना ही चाहिए, जो कि जैसे कि आज के नाश्ता में बना हूँ। आप मन में देख ला हूँ कि मैं आज कहाँ बनाता हूँ, कहाँ नाश्ता है ना। तो चलो आज मैं कहाँ बनाता हूँ, आज संडे के दिन है तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। और बने रहो और छोटे से ब्लॉग में, ठीक है। मैं बनाता हूँ आज मैगी और पतला रोटी। पतला रोटी नहीं बना हूँ तो तंदूरी रोटी सब तो चली है ना, तो तंदूरी रोटी के साथ सेवई। तो आज का खा था, आज आप ना ये जानो, संडे के दिन मस्त दिन। दूध उबाल अभी नहीं आ है, दूध ला मैं गैस में चढ़ा हूँ, इधर कढ़ाई भी चढ़े हुए। पहले मैं डालूँ डालडा, कैसे छिरके से छिरका थे ना, तो अब मैं डालडा डाल के सेवई डाले हूँ। सेवई डाले के बाद में वो मैं चम्मच चला हूँ और सुनहरे रंग तक मैं और भूंज हूँ। बारी हो मैं इलायची और तेजपत्ती हल्का से, और एक छोटे से लवंग डाले हूँ, और ये दूध में डब कर थे तो मैं चम्मच चला थे में। सेवई हो गई रेडी। मैं डाला थूँ चीनी एक कटोरी मीठा अनुसार। तो ये हरे सेवई और ये दूध डबका थे, तो ये सेवई मैं डाला था। ये हरे रोटी तंदूरी रोटी मस्त सेवई डबका थे, गाढ़ा गाढ़ा सेवई। और ये हरे मोर तंदूरी रोटी जो कि मैं बना थेला थोड़ा से। मैं बना थूँ तंदूरी रोटी, देखते छो अपन। हमार सेवई रोटी तैयार हो चुके हैं, ये हरे सेवई और ये हरे रोटी। जरे की कीमत को भाई, क्योंकि ये थोड़ा से नवा नवा मोर हाथ है तो जर गए है और मोटा मोटा है, क्योंकि तंदूरी रोटी बनाए गए हम इस वजह से। तंदुरुस्ती नहीं हो तंदुरुस्ती।